हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नीरद सिंह चौधरी के द्वारा लिखी गई माय मदर की 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ जिसे हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो एंड सी क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द कंप्लीट नेम ऑफ नीरद सिंह चौधरी? नीरद सिंह चौधरी का कंप्लीट नेम है नीरद चंद्रा चौधरी। माय मदर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, माय मदर एक भाग है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन का। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन नीरद सिंह चौधरी के द्वारा लिखी गई उनकी आत्मकथा है और माय मदर इसका ही एक पार्ट है। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन वॉज पब्लिश्ड इन, उन्होंने अपनी इस ऑटोबायोग्राफी को 1951 में पब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉट इज मैग्नम ओपस ऑफ नीरद सिंह चौधरी? फ्रेंड्स, मैग्नम ओपस का मीन है अ ग्रेट वर्क। ये एक लैटिन फ्रेज है एंड इट्स मीनिंग ग्रेट वर्क, और हम इसे मास्टरपीस भी कह सकते हैं। तो नीरद सिंह चौधरी का जो मास्टरपीस है वो है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। व्हाट इज द फर्स्ट बुक ऑफ नीरद सिंह चौधरी? नीरद सिंह चौधरी के द्वारा लिखी गई पहली किताब कौन सी है? तो फ्रेंड्स, उनकी पहली बुक है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है ये इनकी फर्स्ट बुक है। नीरद सिंह चौधरी डेडिकेटेड हिज बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन टू। नीरद सिंह चौधरी ने अपनी इस बुक को किसे डेडिकेटेड किया था? तो फ्रेंड्स, इन्होंने अपनी बुक को डेडिकेट किया था ब्रिटिश एम्पायर को, जिसकी वजह से इन्हें काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था और इन्हें अपनी जॉब से, गवर्नमेंट जॉब से भी हाथ धोना पड़ा था। लेकिन इस क्रिटिसिज्म ने उनको एक प्रोमिनेंट राइटर के रूप में स्थापित कर दिया। अकॉर्डिंग टू द राइटर वॉज हिज मदर अ सुइटेबल मैच फॉर हिज फादर। लेखक के अनुसार क्या उनकी माँ उनके पिता के लिए एक सुइटेबल मैच थी? नहीं, शी वॉज नॉट। Was his mother educated? क्या उनकी माँ पढ़ी लिखी थी? No, she was unlettered. उनकी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी। How was his father different to his mother? लेखक के अनुसार उनके पिता और उनकी माँ में क्या डिफरेंस था, किस तरीके से उनके पिताजी उनसे अलग थे? He was completely different to her in appearance, temperament and outlook. वो दिखने में, अपनी सोच में, अपने दृष्टिकोण में हर तरह से उनकी माँ से अलग थे। हाउ वॉज हिज मदर इन अपीयरेंस, उनकी माँ कैसी थी दिखने में? शी वॉज फ्रेजाइल, वो पतली दुबली थी। हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब हिज मदर्स फेस, लेखक ने अपनी माँ के फेस को कैसे डिस्क्राइब किया है? एंड आंसर इज Her forehead is well-shaped, her face is oval, her eyes are large and nose very regular, her lips are well-cut. Next, what does writer tell about her mother, about her moral convictions? लेखक ने अपनी माँ के जो नैतिक विश्वास थे, जो नैतिक धारणाएं थी, वो उनके बारे में क्या कहा है? तो लेखक कहते हैं, हर मोरल कन्विक्शंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, उनकी माँ के जो नैतिक धारणाएं थी वो काफी स्ट्रॉन्ग थी। डिड शी लाइक द फॉल्ट्स ऑफ कैरेक्टर लाइक फॉल्सहुड, डिसऑनेस्टी, मोरल कावर्डाइज एंड मीननेस? क्या उनकी माँ ये कैरेक्टर के जो फॉल्ट्स हैं, जो दोष हैं, जैसे कि फॉल्सहुड है, डिसऑनेस्टी, मोरल कावर्डाइज है, मीननेस है, इनको पसंद करती थी? नो, वो इनको पसंद नहीं करती थी। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ड, माई फादर एंड मदर वर ब्लैंक टू ईच अदर बाय सर्टेन कॉमन प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट। यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट वर्ड है वो होगा बाउंड, माई फादर एंड मदर वर बाउंड टू ईच अदर। अ वेंट फॉर थॉट रेफर्स टू, राइटर ने अ वेंट ऑफ थॉट इस फ्रेज को लिखा है और इस फ्रेज का मतलब क्या है? इस फ्रेज का मीन है टू डीप वर्टिकल रिंकल्स बिटवीन हर आईब्रोज, उनकी माँ की आईब्रोज के बीच में दो
रिंकल्स पड़ते थे, मीन्स वर्टिकल रिंकल्स पड़ते थे, जिनको हम लाइंस भी कह सकते हैं, वो जो लाइंस थी उनको लेखक अ बेंड फॉर थॉट कहते हैं. वॉट वॉज द रियल वीकनेस ऑफ हिज मदर्स फेस, उनकी मदर के फेस की रियल वीकनेस क्या थी, हर चीन, बिकॉज उनकी जो चीन थी वो दूसरे जो उनके फेस के जो फीचर्स थे उनसे थोड़ी कम अच्छी थी. वॉट इम्प्रेशन डज मदर्स फीचर गिव, उनकी माँ के जो फीचर्स थे उससे क्या इम्प्रेशन दिखाई देता है. ऑफ अन स्लीपिंग अलर्टनेस, वो जो थी वो काफ़ी हसमुख थी एंड इनएग्जॉस्टिबल एनिमेशन, और उनके अंदर अटूट जीवंतता थी, बहुत ही मतलब उनके अंदर एनर्जी थी. Who was intolerant of demonstrativeness and the wearing of one's heart on one's sleeve. तो यहाँ पे who was intolerant of demonstrativeness, ये है उनकी mother. When she asked us to take a portion after dividing a sweet or some other dish, what the writer said. उनकी माँ जब कभी भी कोई मिठाई देती थी बच्चों को और उसको डिवाइड करके बोलती थी कि इसे ले लो, तो लेखक उसे क्या कहती थी, लेखक हमेशा अपनी माँ से कहते थे गिव अस अ पीस योर सेल्फ मदर, कि माँ आप हमें खुद ही दे दीजिए, क्योंकि उनको पता था, लेखक जानते थे कि अगर गलती से भी उन्होंने बड़ा टुकड़ा उठा लिया तो उनकी माँ शायद ये सोचेंगी कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है. नेक्स्ट है, आई फाउंड दैट देयर ऑलवेज अ रश एट द फर्स्ट सर्विस ऑफ द डिनर, द राइटर डिस्क्राइब्स हियर. यहाँ पे इस लाइन में लेखक डिस्क्राइब कर रहे हैं अपने हॉस्टल को. हाउ वॉज द डाइनिंग हॉल ऑफ द हॉस्टल, हॉस्टल का डाइनिंग हॉल कैसा था. इट वॉज नॉट लार्ज इनफ टू अकोमोडेट ऑल द इनमेट्स एट द सेम टाइम, ज्यादा बड़ा नहीं था, जितने भी लोग वहां रहते थे वो एक साथ उसमें खाना नहीं खा सकते थे. अकॉर्डिंग टू मदर, गुड मैनर्स वर अ मैटर ऑफ, उनकी माँ के हिसाब से जो गुड मैनर्स होते हैं वो क्या है, ये मौलिक शिष्टाचार है, फंडामेंटल डिसेंसीज. कंप्लीट द लाइन, बैड मैनर्स टू हर थिंकिंग वर अ ब्लैंक एंड अगेंस्ट अ कोड ऑफ सोशल बिहेवियर, जो बैड मैनर्स हैं उनकी माँ की नजर में क्या है, बैड मैनर्स उनकी माँ की नजर में सिन है, एक बहुत बड़ा पाप है. शी हार्डली कंसील्स हर इमोशंस, शी गेट्स एक्साइटेड वेरी सून, हु इज शी हियर, वो बहुत मुश्किल से अपने इमोशंस को छुपा पाती थी. शी गेट्स एक्साइटेड वेरी सून, वो बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाती थी. हु इज शी हियर, यहाँ पे बात की गई है उनकी मदर की. वट वॉज द स्ट्रिक्ट गाइडेंस ऑफ राइटर्स मदर वैन ही वॉज इन हॉस्टल, जब लेखक हॉस्टल में थे तो उनकी माँ ने उनको क्या स्ट्रिक्ट गाइडेंस दिया था. उनकी माँ ने कहा था कि ही मस्ट वेट फॉर हिज टर्न टू टेक हिज मील, लेखक जो थे वो सेकंड फ्लोर पर रहते थे और उनके हॉस्टल में क्या था, जो लड़के सेकंड फ्लोर पर रहते थे क्योंकि डाइनिंग हॉल ज़्यादा बड़ा नहीं था तो उनको वेट करना पड़ता था खाने के लिए, इसलिए वो लोग फर्स्ट फ्लोर वाले पहुँचे इससे पहले ही अपने जूतों को हाथ में लेकर सीढ़ियों से नीचे आ जाते थे और जल्दी से डाइनिंग हॉल में चले जाती थी. तो लेखक की माँ ये जानती थी और वो ये भी जानती थी कि सेकंड फ्लोर पर रहते हैं, तो उन्होंने स्ट्रिक्ट गाइडेंस उनको दे रखा था कि तुम इस तरीके की हरकत नहीं करोगे, यू मस्ट वेट फॉर योर टर्न, तुम्हें अपनी बारी का इंतजार करना होगा, क्योंकि वो नैतिकता में बहुत ज़्यादा विश्वास रखती थी, वो नहीं चाहती थी कि उनके बच्चे किसी भी प्रकार का अनैतिक व्यवहार करें. इट रिपल टू इमोशंस एज वॉटर्स टू द विंड, हियर इट रेफर्स टू, यहाँ पे इट का मीन है मदर्स फेस, मदर के फेस की बात हो रही है. अकॉर्डिंग टू द राइटर हिज मदर वॉज, लेखक के अनुसार उनकी माँ कैसी थी, अनलाइक एन इंडियन मदर, जो बाकी की भारतीय माएँ होती हैं उनके जैसी वो बिल्कुल नहीं थी, उनसे बिल्कुल अलग थी, क्योंकि जो दूसरी माएँ होती हैं अगर उनके बच्चे को जरा सी भी चोट लग जाए तो वो कितनी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, रोने लगती हैं, लेकिन उनकी माँ बहुत स्ट्रांग थी, वो ऐसा नहीं करती थी. Who was the guiding force of his life according to the writer? लेखक अपनी जीवन की जो guiding force है वो किसे बताते हैं, तो वो बताते हैं अपनी माँ को, his mother. When did नीरज सिंह चौधरी write his first book? नीरज सिंह चौधरी ने अपनी first book को कब लिखा था? When he was around 50, 50 के आसपास जब वो थे तब उन्होंने अपनी पहली किताब लिखी थी. What did he describe in it? अपनी इस किताब में उन्होंने क्या लिखा है? His life from 1897 to 1921 in Kishorganj, a small town in present-day Bangladesh and Kolkata.
1897 से 1921 तक की जो टाइम है उसको उन्होंने इसमें इंक्लूड किया है, और किशोरगंज जो कि अब बांग्लादेश का पार्ट है, उनका जन्म किशोरगंज में हुआ, उनका बचपन वही भी था, उसको भी उन्होंने इसमें डिस्क्राइब किया है। और उसके बाद ये कोलकाता चले गए, वहाँ पर इन्होंने अपनी जो यूथ एज थी, जो यंग एज थी, वो स्पेंड की, अपनी बाकी की पढ़ाई भी की। तो कोलकाता और किशोरगंज को के जो दिन थे वो इन्होंने डिस्क्राइब किए हैं। तो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर माई मदर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।